वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आगरा के ताजमहल को अचानक आज सुबह बंद कर दिया गया है और पर्यटकों को यह कहकर बाहर निकाल दिया गया है कि ये एक मॉक ड्रिल है। हालांकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस मामले में किसी भी अधिकारी की ओर से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अधिकारियों से संपर्क भी नहीं हो सका है अभी तक और सूत्रों का ये तक कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ताजमहल में विस्फोटक होने की सूचना 112 पर दी है, जिसे लेकर ये एक्शन लिया गया है। वहीं CISF के जवानों ने पर्यटकों को बाहर निकाला है। CISF सेना और स्थानीय पुलिस अलर्ट हो चुकी है। सेना और पुलिस की टीम ताजमहल में जांच पड़ताल के लिए पहुंच चुकी है। ये आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अचानक आज सुबह ताजमहल को बंद कर दिया गया है।